भी बोलेंगे ओम शांति, भाई भी बोलो ओम शांति। ये काम केवल माताओं का नहीं, भाई समझते हैं सारे काम माताओं के ही है, ऐसा नहीं है। ये तो बहुत सुंदर मंत्र है जो आप सबके अंदर भी एक शांति की तरंग पैदा करता है। आप सामने बैनर पर देख रहे हो आजादी का अमृत महोत्सव का लोगो। तो आजादी के अमृत महोत्सव के इस श्रृंखला के तहत कार्यक्रम जो हो रहे हैं, तो इस महोत्सव की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन आज बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपके वैलेंटाइन कौन है, वो डिफरेंट हो सकते हैं, हर एक के मोर देन वन हो सकते हैं, लेकिन कौन है आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट? अच्छा, कोई बताएगा? कोई बोल करके बता सकता है बहुत ईमानदारी से कि आपके वैलेंटाइन कौन है? माता पिता, कोई ने बोला शिव बाबा, वो भी समझ गए, शिव बाबा कहेंगे तो दीदी सबसे ज्यादा खुश होगी। ऐसा ही ना। खैर, सबसे पहले तो वो ही है, क्योंकि वो भी तो माता पिता है ना। एक बार मैंने एक सेमिनार कराया, उसका टॉपिक था आई लव यू। हम दुनिया में कोई किसी को बोल दे आई लव यू तो वो खाने को पड़ता है, अच्छे दिन हिम्मत कैसे पड़ी? क्यों हम मीनिंग की उल्टा लेते हैं? हम समझते हैं कोई लड़का किसी लड़की को बोलता है आई लव यू मींस नेगेटिव फीलिंग के साथ, या कोई लड़का किसी लड़की को बोले। क्या एक बच्चे अपने माँ बाप को नहीं बोल सकते आई लव यू? क्या एक बहन अपने भाई को नहीं बोल सकती? या एक भाई अपनी बहन को नहीं बोल सकता? पॉजिटिव वाले थॉट्स, वाइब्रेशंस हमें अपने भीतर क्रिएट करने हैं। आज संसार में गिरावट क्यों है? आज संसार में रेप केसेस बढ़ क्यों रहे हैं? आज कोई सुरक्षित क्यों नहीं है? क्योंकि वो केवल चमड़ी को देख रहे हैं, जहाँ चमड़ी से ज्यादा दमड़ी को देख रहे हैं। बस दो ही चीजें इंसान को दिखाई देती हैं। आज कोई बच्चे बच्ची के लिए देखता भी है रिश्ता, तो क्या देखते हैं? घर बार कैसा है, जमीन जायदाद कैसी है? कल ही मेरे पास कोई बैठे थे, कहते बहन जी हम लोगों के तो, मैंने कहा लड़का क्या करता है? कहते वो जमीन ही देखता है अपने पापा के साथ। क्या कोई काम नहीं लगा हुआ? कहते हमारे तो जमीन देख के ही करते हैं, हमारे इस बात की कोई बात नहीं। वो लड़का अभी पढ़ रहा है, उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। हमारी सरकार, बहुत अच्छा लगा कि इस उत्सव को मना रहे हैं। और 20 जनवरी को सुबह 10:30 बजे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भाई नरेंद्र मोदी जी और जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उन सबकी उपस्थिति में हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा ऑनलाइन ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर में माउंट आबू में अमृत महाउत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर इस प्रोजेक्ट को ब्रह्मा कुमारीज ने लॉन्च किया है, और प्राइम मिनिस्टर जी ने इसको शुरुआत किया है, और कुछ कैंपेन भी एट द स्पॉट, नारी शक्तिकरण, यूथ एम्पावरमेंट, ऐसे कुछ कैंपेन्स को भी उन्होंने हरी झंडी देखकर के रिमोट से उनको भी रवाना किया। तब से ब्रह्मा कुमारीज के जो भी कार्यक्रम समाज उत्थान के लिए हो रहे हैं, स्वर्णिम भारत की ओर जाने के लिए वो कार्यक्रम है, ये रियल सेलिब्रेशन होती है किसी भी चीज की। परमपिता परमात्मा का इस धरा पर अवतरण उस समय हुआ 1936-37 में, जबकि नारी का कोई बहुत बड़ा स्थान नहीं था। बड़ा क्या स्थान ही नहीं था, कोई गिनी चुनी कुछ नारियों के नाम थे। परमपिता परमात्मा ने आकर के जे नारा बुलंद किया कि नारी उत्थान होना चाहिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा के भीतर वो शक्ति है कि वो किसी भी बच्चे से कुछ भी कार्य ले सकता है, वो सक्षम बना सकता है, लेकिन उस देने वाले दाता को हमको भूलना नहीं है। रात्रि मतलब अज्ञानता की रात्रि, बेसमझी की रात्रि, कहीं लो वाइब्रेशंस है किसी घर के
तो वहां दिन में भी रात्रि है और हाई वाइब्रेशंस है तो समझो वो दिन में है। तो इसलिए अज्ञानता की कमी कमजोरियों की तेरे मेरे की ये रात्रि में हम सब जी रहे हैं। भगवान आकर के इस रात्रि को दिन बनाते हैं। आप अगर बहुत गहराई से इन बातों को सोचते जाएं तो आपको समझ आएगा। और सच्ची शिवरात्रि मनाना हमारा तब सार्थक है जैसे शिव पर ये कड़वी चीजें चढ़ाई जाती है, तो आज हम भी अपनी कोई ना कोई कमी कमजोरी को भगवान शिव पर चढ़ा दें, अर्थात मन में संकल्प कर लें कि आज से मैं अपनी इस कमजोरी का त्याग कर रहा हूँ।